एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसटी स्टडी गाइड चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, तो आज हम असेंडिंग ऑर्डर्स क्या है अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलो हम बिना देर किए बिना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलो हम असेंडिंग ऑर्डर क्या है सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ओके ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, पहले हम वो सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग हमने सीखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, तो आज हम असेंडिंग ऑर्डर सीखने वाले हैं। असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं, ओके, असेंडिंग ऑर्डर मींस द डेफिनेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, the given set of numbers which are arranged from smallest to highest, smallest to highest। okay, ascending order means the given set of numbers which are arranged from smallest to highest। okay, smallest to highest क्या करनी है हमें, ascending orders लगानी है। okay, तो जब भी हम ascending order सीखते हैं क्या करना है हमें, क्या करना है, जो भी set दिया है उस set से कौन सा भी छोटा वाला number हमें पहले लिखना है। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है हमें, हमने सीखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे वही करना है हमें। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या करनी है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, द गिवन सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। कैसी अरेंजमेंट करनी है हमें, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, ये दो वर्ड्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, असेंडिंग ऑर्डर्स मीन द नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर। ओके, तो आप अच्छे से याद रखना। ओके, आपने, आपको याद नहीं आ रहा है, आप डेफिनेशन नोट करके लिखो। ओके, तो अभी अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर्स की डेफिनेशन सीख ली है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो बिल्डिंग्स में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ओके, ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। तो उन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने के लिए क्या होती है, सीढ़ियां होती है। ओके, तो सीढ़ियां होती है, मानो कि ये सीढ़ी है। ओके, ये सीढ़ी है। ओके, ऐसी सीढ़ियां है। ओके, जब भी हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर जाना है, सबसे टॉप पॉइंट पर जाना है। मानो कि ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा। ओके, और हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है। ओके, ये सेकंड फ्लोर है, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से तो जंप नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ सीढ़ियां है। ओके, हमारे पास क्या है, सीढ़ियां है। फर्स्ट फ्लोर से हमें सेकंड फ्लोर तक जाना है। ओके, हमारे पास कोई भी लिफ्ट नहीं है। ओके, लिफ्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर जाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और लास्ट में फाइव तक जाएंगे। लास्ट हमें हमारा फ्लोर मिल जाएगा। ओके, हमें सेकंड फ्लोर जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ओके, ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छे से देख लो, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये जो नंबर से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, स्मॉल नंबर टू हाईएस्ट नंबर, स्मॉल टू हाई नंबर तक ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, स्मॉल नंबर टू हाई नंबर तक ये सीरीज कैसी है, स्मॉलेस्ट टू
हाईएस्ट नंबर जब ऑर्डर इंक्रीज होती है तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, है ना। तो हमें प्रैक्टिकली क्या देखना है, जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो हमारी जो ऑर्डर है नंबर की वो इंक्रीज हो रही है, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ओके। जब भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो हमें क्या करना है, जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं उसे हम असेंडिंग बोलेंगे और उसका रिवर्स होता है जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ओके। और नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। तो ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से प्रैक्टिकली पॉइंट टू पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, नंबर्स ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ओके। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ओके। तो यही आज हमने प्रैक्टिकली सीखा है, ओके। जैसे कि आप घूमने के लिए जाते हैं बगीचे में वगैरह के, तो वहां पे बहुत सारी सीढ़ियां होती है, ओके। तो उन सीढ़ी में हम क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ओके। तो चढ़ने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो चढ़ने की ऑर्डर होती है उसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यही हम क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ना, इंक्रीज होना, ओके। तो हम यही पार्ट अब अच्छे से एग्जाम्पल के दौरान समझेंगे, ओके। तो चलो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपको ये पॉइंट है असेंडिंग ऑर्डर का वो अच्छे से समझ नहीं आएगा, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट है डेफिनेशन के वजह एग्जाम्पल से बहुत उन्हें समझ आता है, ओके। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ओके। 2, 10, 23, ओके, 13 and 1, ओके। तो ये क्या है, सेट है, ओके। एक नंबर्स का सेट है 2 से 1 तक, ओके। तो ये क्या है, 2 से 1 तक का सेट है नंबर्स का, ओके। तो इसमें जो सेट में जो नंबर है हमें क्या करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर से लगाने हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले आंसर करते हैं, ओके। तो आंसर करते समय हम पहले क्या करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इस ऑल नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को पहले ऑब्जर्व करेंगे, ओके। इन नंबर्स से स्मॉल नंबर कौन सा है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है असेंडिंग ऑर्डर की, स्मॉलेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर से क्या करनी है हमें, ऑर्डर लिखनी है, ओके। तो स्मॉल नंबर कौन सा है, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। तो अब हमारा आंसर कैसा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पे कौन नंबर है अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, 2 है, ओके। 2 के बाद कौन सा नंबर है, 10, ओके, 10। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, 10 के बाद कौन सा है, 13 लिखेंगे, और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 23, ओके, 23 आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखेंगे हमें अच्छे से पहले ऑब्जर्व कर लेना है, ओके, कौन से नंबर है। इसलिए हमें नंबर्स पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बच्चों को नंबर्स पहचानने में बहुत गलती होती है, ओके। 23 नंबर्स को ही वो 30 बुलाते हैं, 30 को ही वो 23 बुलाते हैं, ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी होता है। इसलिए नंबर्स पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है, स्मॉल नंबर। हमें क्या करना है, सिर्फ इस सेट ऑब्जर्व करना है, इस सेट में कौन सा नंबर स्मॉल है, ओके। तो स्मॉल नंबर फर्स्ट में कौन सा आता है, 1। तो यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे लिखना। तो ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सेट है, ओके। तो हमें ऐसे ही नंबर्स पहचानने हैं और अच्छे से ऑर्डर लिखनी है, ओके। चलो अब हम ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके। 4, 16, 2, 22, 3, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या क्या है, कुछ नंबर का सेट लिया है, ओके। 4, 16, 2, 22 और 3, ओके। तो अब क्या करना है, हमें इस सेट की असेंडिंग ऑर्डर सीरीज लगानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो, जब भी हम
ऑर्डर्स लगाएंगे ओके, तो हमें क्या करना है, पहले डेफिनेशन याद कर लेनी है ओके। हमें क्या करना है, असेंडिंग मीन्स द गिवन सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ओके। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है पहले हमें देखना है ओके। तो इस सेट का आंसर क्या आएगा, देखो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, हमें क्या करना है पहले सबसे स्मॉल नंबर ऑब्जर्व करना है ओके। कौन सा है, टू, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टू लिखेंगे, टू के बाद कौन सा है थ्री, फिर थ्री लिखेंगे, थ्री के बाद फोर ओके, तो फोर लिखेंगे, फिर सिक्सटीन, तो सिक्सटीन लिखेंगे ओके, और लास्ट में 22 ओके। तो ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का सेट है ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर गिवन सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ओके। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या सिर्फ टू एग्जांपल लेंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए ओके। फिर आपको क्या करना है, खुद ही ऐसे सीरीज लेके असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है ओके। तो चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो चलो अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल 14, 20, 6, 9, 17 ओके, 17 ओके। तो कौन सा सेट लिया है हमें, 14, 20, 6, 9 एंड 17। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर तो हाईएस्ट नंबर, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा है, 6। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहले 6 फिर 9 फिर 14 ओके, फिर 17 और लास्ट में आएगा 20 ओके। अच्छे से हमें सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व कर लेना है ओके, ऑल नंबर ऑब्जर्व कर लेने हैं। फिर क्या करना है, स्मॉल नंबर कौन सा है देखना है, तो स्मॉल नंबर कौन सा है, 6, तो 6, 6 के बाद कौन सा है, 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 17 और लास्ट में 20 ओके। तो ऐसे हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है ओके। आप समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा ओके। तो नेक्स्ट हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला 21, 19, 10, 2, 14 ओके। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का सेट है। तो हम क्या करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर का सेट यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेगा, आंसरिंग करेंगे ओके। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्मॉल नंबर 2, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, 2, 10 ओके, 14, 19 और लास्ट में आएगा 21। ऐसे फट हमें क्या करनी है, आंसरिंग करनी है, क्योंकि हमें एग्जाम में तो ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें फट फास्ट में आंसरिंग करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ एक पार्ट है जो सेट है, हमें क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है ओके। इस सेट में कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है, तो स्मॉल नंबर ये है फर्स्ट, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद 10 आता है, 10 के बाद यहाँ पे जंप लेते हैं 14 आता है, फिर 19 और लास्ट में 21, ऐसे नंबर की अरेंज होती है ओके, अरेंज नंबर। तो हमें क्या बोलते हैं, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ नंबर्स दिए होते हैं और हमें बोलते हैं अरेंज द सेट ऑफ असेंडिंग नंबर। तो इस सेट का है जो अरेंजमेंट करना, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर के साथ ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर है वो फर्स्ट लिखेंगे और जो सबसे हाईएस्ट है उसे हम एंड में लिखेंगे ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने आज अच्छे से आपको सिखाया है ओके। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर, इसे हम इंक्रीजिंग नंबर्स भी बोलते हैं ओके, इंक्रीजिंग नंबर्स ओके। कैसे इंक्रीज होते हैं, स्मॉल नंबर्स टू हाईएस्ट नंबर ऐसे इंक्रीज होते हैं ओके।
इसे असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऐसा बोला तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ऐसे हमें लिखना है। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।